रजौरी में आतंक के खात्मे के खिलाफ महा ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है। इनमें पैरा कमांडो, सेना के जवान, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, अर्धसैनिक के जवान घने जंगल में आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रजौरी सेक्टर के कंडी के घने जंगलों में शुक्रवार को आतंकी मुठभेड़ में 5 जवानों की शहादत के बाद सेना के सर्च ऑपरेशन में शनिवार को एक आतंकी मुठभेड़ में मार दिया गया, जबकि एक जख्मी हो गया। वहीं अब सूरज की पहली किरण के साथ आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है, ताकि जितने भी आतंकी घने जंगलों में छिपे हुए हैं उन्हें चुन चुन कर ढेर किया जाए। पाकिस्तानी सीमा से सटे पुंछ और रजौरी जिले में आतंकवादियों ने अक्टूबर 2021 से अब तक 8 हमले किए हैं। सूरज की पहली किरण के साथ एक बार फिर भारतीय सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू हो चुका है। इन्हीं घने जंगलों में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस साथ में भारतीय सेना के कमांडोज लगातार इन जंगलों की खान छाप रहे हैं, ताकि अगर यहां पर कोई आतंकी छुपा है तो उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। दरअसल 4 दिन पहले इसी जगह पे इन्हीं केसरी हिल के जंगलों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान किल्ड इन एक्शन और साथ में एक भारतीय सेना के ऑफिसर जो है वो इंजर्ड होते हैं, जिनका इस वक्त उपचार जो है उधमपुर बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। दूसरे दिन भारतीय सेना एक बार फिर ऑपरेशन को लॉन्च करती है। एक आतंकी को इन्हीं घने जंगलों में ट्रैक करती है, जिसको डेयर किया जाता है और भारी मात्रा में AK-56 राइफल, उसके साथ 9mm पिस्टल, उसके साथ साथ 4 ग्रेनेड और एमुनेशन पाउच जो है वो रिकवर किया जाता है। वहीं जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उस मुठभेड़ में एक आतंकी जो है वो इंजर्ड है और वो इन्हीं घने जंगलों में कहीं पर छुपा हुआ है, जिसके चलते सुरक्षा बलों की तरफ से, सेना की तरफ से बड़े पैमाने पे इस इलाके में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि जो बचे हुए आतंकी इस इलाके में छुपे हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 1990 के दशक में आतंक का गढ़ माना जाता था पीर पंजाल, जो केसरी हिल का इलाका है। 2007 में ये इलाका आतंकवाद मुक्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा पीर पंजाल और चिनाब वैली में आतंक को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। 1990 में आतंकियों के लिए ये इलाका कश्मीर घाटी तक जाने का पारंपरिक रूट रहा है। 90 के दशक में ये इलाका आतंकियों का एक वक्त गढ़ रह चुका है। 2007 के बाद इलाके में पूरे तरीके से शांति बनी हुई थी, लेकिन अब आतंकियों की तरफ से पिछले कुछ समय से एक बार फिर आतंकी वारदात देखने को मिली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने पीर पंजाल इलाके रजौरी और पुंछ में आतंकवाद को एक बार फिर रिवाइव करने के लिए जिम्मा सौंपा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 8 से 9 आतंकी सक्रिय हैं, जो अलग अलग ग्रुप में हैं। आतंकी जंगलों में अपना ठिकाना छुपने के लिए बनाते हैं। इन घने जंगलों में कई जगह पर सुरंगें हैं, जिनको वो अपना हाइडआउट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं अब सुरक्षा बल इन आतंकियों की तलाश में इन जंगलों में तलाशी अभियान चला रहे हैं, ताकि बचे हुए आतंकियों का सफाया जल्द से जल्द किया जा सके और इलाके में एक बार फिर से शांति बहाल हो सके। के दशक में जब आतंकी घुसपैठ कर आते थे तो वो पीर पंचाल की पहाड़ियों से होते हुए ही कश्मीर घाटी तक जाते थे। ये इलाका इन आतंकियों के लिए पारंपरिक रूट रहा है। इस इलाके को आतंकी फीडिंग एरिया या फिर ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल करते थे। ट्रांजिट कैंप का मतलब है कि इन पहाड़ियों पर किसी जगह पर, क्योंकि इस इलाके में कई जगहों पे केव है, वहां पर रुकना और उसके बाद आगे की तरफ कश्मीर घाटी की तरफ बढ़ना। वहीं इस इलाके में आतंकी फीडिंग एरिया को भी मानते थे। फीडिंग एरिया का मतलब है कि इस इलाके में जहां पर कहीं पर डोप है तो वहां पर खाना खाना, उसके बाद आगे की तरफ निकलना। रजौरी के केसरी हिल इलाके में इस वक्त ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है और हम आपको घने जंगल का इलाका दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये इलाका किस तरीके का है। केसरी हिल में आखिरकार सुरक्षा बलों के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं कि ऑपरेशन इतना टाइम ले रहा है। ये देखिए, ये घने जंगल का इलाका है। यहाँ पर लगभग जो विजिबिलिटी है वो ना के बराबर है। वजह है घना जंगल। सामने अगर आप देखें तो 200 मीटर से आगे का इलाका जो है वो क्लियर नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ पर पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे और यहाँ पर नदी नाले बहते हैं और कई जगहों पे यहाँ पे आतंकियों के हाइड आउट के लिए
कई जगहों पे केव्स भी हैं और उन हाइडआउट्स को आतंकी ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल करते थे। जंगलों में आतंकी इसलिए छुपते हैं क्योंकि जंगलों में सही जगह नेचुरल केव और टोंक होती है। टोंक यानी कि जो पहाड़ी के ऊपर कच्चे मकान बने होते हैं वहाँ छुपने का सहारा लेते हैं ताकि हमारे बहादुर जवानों की निगाहों से बच सके। आतंकी टोंक के अंदर बैठे रहते हैं क्योंकि आसपास कोई आबादी नहीं होती और टोंक अक्सर बकरवाल समुदाय के लोग इसमें 6 महीने रहते हैं क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो ये लोग टोंक से निकलकर मैदानी इलाके में या निचले इलाकों में आ जाते हैं और जब गर्मी होती है तो दोबारा उन्हीं ऊपरी इलाकों में वापस चले जाते हैं और कई बार सुरक्षा बलों ने आतंकियों को इन टोंक में ही ढेर किया है। अपर रिजिस में आतंकी इन्हीं डोप का सहारा लेते हैं और इस डोप को आतंकियों की तरफ से ट्रांजिट कैंप की तरह यूज किया जाता है। ट्रांजिट कैंप का मतलब है कि ये शेल्टर जगह है, यानी कि जब आतंकी कश्मीर घाटी की तरफ जाने के प्रयास करते हैं या फिर आतंकी पहाड़ी इलाके में जब पहाड़ों में छुपने का प्रयास करते हैं तो कई जगहों पे इसी तरीके की डोप बनी होती है, कई जगहों पे नेचुरल केव्स होती हैं। जिन नेचुरल केव्स का इस्तेमाल आतंकी हाइडआउट के लिए करते हैं वहीं इन डोप का इस्तेमाल जो है आतंकियों की तरफ से रहने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये डोप किस तरीके की होती है। हालांकि ये जो डोप होती है ये कच्चा मकान माना जाता है इसको, और यहाँ पर आतंकियों की तरफ से इन इलाकों में जो अपर रिजिस के इलाके हैं वहाँ पर 90 के दशक में आतंकी जो थे वो इन्हीं डोपों के अंदर रहा करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से रजौरी और पुंछ के इलाके में आतंकियों की गतिविधि एक बार फिर तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं सुरक्षा बल इन आतंकियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज करने के प्रयास में है। वहीं केसरी हिल की अगर बात की जाए जहां पर इस वक्त ऑपरेशन भारतीय सेना की तरफ से त्रिनेत्र चलाया जा रहा है, प्रयास सेना सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस का ये है कि जल्द से जल्द आतंकियों की तलाश की जा सके, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन आतंकियों को एफटी यानी कि ये एफटी टेररिस्ट है ये माना जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो अपर रिजिस वाले इलाके हैं आतंकी इन डोपों को रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने हाइडआउट के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये पूरा इलाका जो है ये जितनी भी पहाड़ियां हैं ये पीर पंचाल के इलाके हैं और इन्हीं इलाकों से आतंकी जो है मुगल रोड के जरिए इनका ये 90 के दशक में पारंपरिक रूट रहा करता था कश्मीर घाटी तक पहुँचने का। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर आतंकवाद पुंछ और रजौरी में रिवाइव करने की कोशिश में आतंकी हैं, जिसके चलते लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये प्रयास है कि और आतंकी इस तरफ भेजे जा सके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है, वहीं रजौरी में भारतीय सेना जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया जा रहा है ताकि जो भी बचे हुए आतंकी इन पहाड़ों में इन डोपों के अंदर या फिर किसी हाइडआउट जो कि नेचुरल केव के अंदर हाइडआउट आतंकियों की तरफ से बनाए गए हैं या फिर घने जंगल के अंदर अगर आतंकी कहीं पर छुपे हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। आज 4th दिन है ऑपरेशन का, जल्द ही उम्मीद जताई जा रही है कि अगर इस घने जंगलों के अंदर आतंकी छुपे हैं तो उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के जरिए पाकिस्तान आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान सुरंग के रास्ते आतंकियों को घुसपैठ करवाने की साजिश रच रहा है। नियंत्रण रेखा पर बर्फ पिघलना शुरू हो गई है और लॉन्च पैड में सड़कों की तादाद में आतंकी मौजूद हैं जो भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवान और नियंत्रण रेखा पर यानी कि एलओसी पर जवान बेहद अलर्ट हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रफीक नाई उर्फ सुल्तान जो पुंछ जिले के मेंढर का रहने वाला है मौजूदा समय में पीओके में है और वहां से रजौरी पुंछ में आतंक को जिंदा करने की साजिश रच रहा है
दूसरा आतंकी डोडा जिले का रहने वाला है। मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ खुबैब ये भी पीओके में मौजूद है और वहीं से ऑपरेट कर रहा है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये जो पूंछ और रजौरी में आतंकी हमला हुआ है, इस हमले के पीछे इन दोनों आतंकियों का भी हाथ हो सकता है। वहीं जांच एजेंसियां हर एक पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है, लेकिन लगातार सीमा पार से भारत के खिलाफ पाकिस्तान नापाक साजिश रच रहा है।